কবেঠা দেবেটা দিন গুনছে যে তারে শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों आज है अष्टमी, देख सकते हैं मैं रेडी होके एकदम तैयार हो गए हूँ। तो आप लोग को हैप्पी दुर्गा पूजा और हैप्पी अष्टमी। तो अभी हम जा रहे हैं पंडाल के पास पूजा करने, दुर्गा माँ के पास। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं हमारे ओडिशा में कैसे पूजा किया जाता है और क्राउड वगैरह कैसा रहता है। तो ये है दोस्तों दुर्गा पूजा स्पेशल ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से हैप्पी दुर्गा पूजा। तो चलिए चलते हैं तो और आप लोग को दिखाते हैं। तो ब्लॉग पर एंड तक बने रहे, आप लोग को दिखाएंगे हमारा यहाँ का पंडाल और नाइट व्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले और पूजा करके आते हैं। तो दोस्तों ये है, देख सकते हैं मेरे घर के सामने, मतलब कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ का पंडाल। ये है दोस्तों इसका एंट्री गेट, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है पंडाल के अंदर, बहुत ही ज्यादा क्राउड है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा मूर्ति भी किया गया है। तो चलिए चलते हैं मूर्ति के पास और आप लोग को दिखाते हैं। बोलने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारे घर के सामने, मतलब कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ का दुर्गा माँ की पंडाल। देख सकते हैं सुंदर बनी है दुर्गा माँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा और खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और पूजा वगैरह हमने कर लिया। अभी हम आए हैं रात को पंडाल घूमने, दुर्गा पूजा की पंडाल घूमने दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पंडाल लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी है दोस्तों दुर्गा माँ की, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी रात को हम आए हैं क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है इसलिए। तो अभी चलिए दिखाता हूँ, एक मेरे सामने बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया गया है। तो बैक कैमरे से दिखा। सो दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग को दुर्गा माँ की मूर्ति दिखाते हैं कितना सुंदर। आज हम बहुत ही सारे, हमारे जो बालेश्वर सिटी में बहुत ही सारे पंडाल बनाए गए हैं दोस्तों, लगभग अराउंड 100 हो जाएंगे। तो सभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को अंदर की लुक दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी हम दूसरे पंडाल पर आ गए हैं। यहाँ का मूर्ति भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दोस्तों और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम ओवर ब्रिज के ऊपर है और नीचे का
नीचे कितनी भीड़ है और व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही प्यारा लाइटिंग डेकोरेट किया गया है। और यहाँ का पंडाल भी देख सकते हैं, और क्राउड अभी रात का 11:30 बज रहा है दोस्तों, और क्राउड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो चलिए नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेरा दुर्गा पूजा वाला ब्लॉग आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। सो दोस्तों, जो जो मेरे सिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पंडाल हुआ था वो सब मैंने आपको रात में घूम के दिखा दिया हूँ। तो आप आई होप कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। बहुत ही सुंदर सुंदर पंडाल हुआ था दोस्तों मेरे सिटी बालेश्वर सिटी में। और ये दोस्तों अष्टमी में ये ब्लॉग में स्टार्ट किया था, अष्टमी में मेरे जो पास में है वो पूजा भी आप लोग को दिखाया, और जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी पूजा हुआ था, जो भी अच्छे अच्छे पंडाल हुआ था दोस्तों, वो सब मैं दशमी के दिन गया था और पूरा एक्सप्लोर किया था रात में और आप लोग को दिखाया हूँ। आई होप सो ये मेरा दुर्गा पूजा वाला ब्लॉग आप सभी को अच्छी लगी हो। तो दोस्तों ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा तो इसके लिए सॉरी। तो आई होप सो दुर्गा पूजा वाला ब्लॉग आप सभी को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।